हाँ जी, तो जयपुर वालों आज आप लोगों को लेकर आ गए हम लोग न्यू पिज्जा किंग के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करके दिखाने वाले हम लोग एकदम यूनिक यूनिक पिज्जा, और उसके प्राइस भी बताने वाले हैं और कौन कौन से पिज्जा होने वाले हैं, और भैया के पास में हम लोग चलने वाले हैं, आप लोगों को बता देंगे कौन कौन से पिज्जा अभी हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को दिखाने वाले। तो वीडियो में बने रहना और चलते हैं भैया के पास, आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो आ जाइए। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम लोग भैया के पास आप लोगों को लेकर आ गए हैं, और ये है न्यू पिज्जा किंग के ऑनर। और भैया नमस्कार। सर जी नमस्कार। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोनू चौधरी। मोनू जी, तो मोनू जी अपने इस आउटलेट को कितना टाइम हो गया? यहाँ पे आप लोग को काफ़ी दिल्ली में भी अपनी यहाँ पे तो अभी 3-4 महीने हुए। अच्छा, और दिल्ली में इसके अलावा ब्रांच है आपके। और ये भैया का मेन्यू भी देख लो आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ पसंद है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और भैया को बता सकते हो। और अब भैया से हम लोग हमारे लिए भी एक पिज़्ज़ा तैयार करवाते हैं, तो भैया ये एक तो हमारे लिए स्मॉल मार्गरेटा कर दो, और एक ये फार्म हाउस, ये वाला कौन सा है फार्म हाउस? हाँ ये पनीर वाला, ओनियन कैप्सिकम पनीर। अच्छा, स्वीट कॉर्न भी लगा देंगे। स्वीट कॉर्न भी लगा दोगे? अच्छा, तो एक ये बना दो और एक मार्गरेटा बना दो हमारे लिए। गाइस ये जो नाम था इसका, ये देख लो फार्म हाउस, ये थोड़ा यूनिक सा नाम लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार इसका भी टेस्ट करके बताता हूँ, क्योंकि स्वीट कॉर्न और उसके अलावा कैप्सिकम, ऑनियन, चीज़ी, गार्ली वगैरह वो तो सारे नॉर्मली आप लोग खाते ही हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये भी ट्राई करके बता देते हैं और इनका टेस्ट भी बता देंगे। भैया ये ब्रेड बनी बनाई लाते हो क्या आप? नहीं, घर पे बनाते हैं। अच्छा, घर पे बना के पैक कर दो अलग से। बढ़िया है, तो भैया बताते रहना आप क्या क्या ऐड कर रहे हो इसमें। इसमें तंदूरी सॉस है। तंदूरी सॉस ऐड कर दिया भैया ने। अब इसमें ऑनियन कैप्सिकम आएगा। अच्छा, सारी वेजेस डालेंगे, ऑनियन कैप्सिकम वगैरह सारे। हाँ, ऑनियन कैप्सिकम टमाटो। तो भैया ये पहले कट करके रखते हो आप? हाँ जी, अभी 10-15 मिनट पहले कट करके रखी है। अच्छा, और ये देखो भर भर के चीज़ पे चीज़ डाले जा रहे हैं भैया, ये देखो क्या बात है यार, एकदम लग रहा है कि चीज़ की बारिश कर रहे हैं आज तो भैया हमारे पिज्ज़ा के ऊपर। तो भैया आप ये हमारे पिज़्ज़ा पे कर रहे हो या सभी के पिज़्ज़ा पे? सभी के पे। सभी के पे? हाँ जी। और गाइस देखो दूसरे पिज़्ज़ा पे भी भैया ने, जो फार्म हाउस वाला पिज़्ज़ा है उस पर भी भर भर के पहले चीज़ डालें, वेजेस भैया ने हटा दिए हैं ऊपर से, अब इसमें बाद में ऐड करेंगे वेजेस वगैरह। और देखो इतनी सारी चीज़ भाई, दिखा एक बार जूम करके इस पे चीज़ पे, भाई साहब मेरे हिसाब से ये चीज़ वॉल्केनो पिज़्ज़ा है ना भैया। और ये ऊपर से पनीर ऐड कर रहे हैं भैया इस पे। और पनीर कौन सा यूज़ करते हो भैया आप? ये डेली से लेती है। अच्छा, डेली वाला पनीर। हाँ जी, चलो बढ़िया है। ऊपर से फिर से स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया भैया ने, वेजेस के ऊपर, चीज़ के ऊपर स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए हैं। भाई देखने में मुंह में पानी आने लग गया, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। आई होप इसका टेस्ट अच्छा ही हो और हमें भी अच्छा लगेगा खाने में और आप लोगों को रिकमेंड करने में। आप लोगों को पता है हमारा मोटिव यही होता है, अगर हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, जब भी हम लोग आप लोगों को रिकमेंड कर पाते हैं। और ये पूरी पिज़्ज़ा मशीन है भैया की, देख लो ये दूसरा पिज़्ज़ा गया इसके अंदर एक, और ये जो दो पिज़्ज़ा ये वाले पड़े, ये वाले ये हमारे हैं दोनों पिज़्ज़ा, इसका टेस्ट करके बताएंगे। ओए होए, ये गैस का सिस्टम है गैस, अंदर एक ओवन की तरह चलता रहता है, गर्म होता रहता है और वो चीज़ वगैरह मेल्ट होते रहते हैं ना भैया। हाँ जी, मेल्ट होंगे। और दोस्तों अभी हम लोग वेट करते हैं हमारे पिज़्ज़ा का और फिर आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों अभी फाइनली हमारा पिज़्ज़ा बन के आ चुका है, भैया इस पर कट कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका टेस्ट करके आप लोगों को बता सकें। और ये चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स। हाँ जी, रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, क्या बात है। एयर वेन्यू। एयर वेन्यू। हाँ। अच्छा, तो इसमें ग्रीन चिली भी मिक्स रहती है ना? एयर वेन्यू मिक्स होता है। अच्छा। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हमारे पिज़्ज़ा बन के हमारे पास आ चुके हैं। इस पिज़्ज़ा का नाम है फार्म हाउस पिज़्ज़ा और इस पिज़्ज़ा का नाम है मार्गरेटा, और इस वाले पिज़्ज़ा की प्राइस है मात्र 90 रुपीज़ और इस वाले पिज़्ज़ा की प्राइस है मात्र 60 रुपीज़। अब इनका हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को बता दें। सॉस डाल देता हूँ इन पे। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम लोग पहला वाइट फार्म हाउस पिज़्ज़ा का ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं, ये केचप के साथ थोड़ा देख लो आप लोगों के लिए। फार्म हाउस पिज़्ज़ा और वेजेस में भर भर के चीज़ भी भर भर के, साथ में पनीर और उसके अलावा स्वीट कॉर्न, ये सारे इसमें ही है।
और अब हम लोग टेस्ट करते हैं मार्गरेटा पिज़्ज़ा का। ये थोड़ा केचप हम लोगों ने ले लिया, देखो ये आप लोगों के लिए, नहीं खाना, चलो मैं खा लेता हूँ। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way, I confess the rhythm takes over. Okay, okay. Guys, सच में मुझे ना मार्गरेटा से ज़्यादा फार्म हाउस पिज़्ज़ा अच्छा लगा। आई रिकमेंड टू आप लोग यहाँ पे आओ। यहाँ की लोकेशन है गेटोर मोड, सरस डेयरी के बिल्कुल पास में ही है। भैया का कार्ट लगता है, भैया की टाइमिंग शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक भैया की टाइमिंग है, आप लोग यहाँ आ सकते हो। और आई रिकमेंड टू गाइस, आप लोग प्लीज़ फार्म हाउस पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना। और अगर जो मार्गरेटा अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो या पसंद है आप लोगों को मार्गरेटा, तो मार्गरेटा देखो वैसा प्लेन आता है, बिल्कुल प्लेन है ये वाला, ओनली चीज़ वगैरह डाल के थोड़ा प्लेन टाइप, तो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे क्या वेजेस वगैरह ज़्यादा पसंद है आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोग मार्गरेटा खाते हो ना, तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा वेजेस ऐड करवा लें, चाहे एक्स्ट्रा पैसे दे देना, तो ताकि और भी अच्छा लगेगा। और अगर प्लेन खाना पसंद है तो सबसे बढ़िया, और ये वाला ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस अब हम लोग इनको खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।